मैं बात करने वाली हूँ लूमिस हेड के डिफरेंट एंगल के कॉम्प्लिकेटेड एंगल होते हैं है वो थोड़ा साइड में देख रहा है 3/4 है और वो थोड़ा टॉप भी देख रहा है और वो थोड़ा सा टिल्टेड भी है। डीपली आपको स्टडी करना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि जब हमें कंपैरेटिव मेजरमेंट्स लगाने ही थे तो हमने लूमिस की स्टडी क्यों की और लूमिस से जब फेस मैच होता ही नहीं है तो फिर हम लूमिस की स्टडी ही क्यों करें। हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड डूइंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस, है ना। तो चलिए आज का वर्क स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ लूमिस हेड के स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। पिछले की वीडियो में मैंने बात करी थी स्टेप्स के ऊपर कि किस तरीके से पहला स्टेप क्या होना चाहिए, सेकंड स्टेप में क्या चीज़ देखनी है, थर्ड स्टेप क्या होता है पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने के लिए, है ना। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ लूमिस हेड के डिफरेंट एंगल के स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। तो लूमिस हेड के स्ट्रक्चर को मैंने बहुत ही अच्छे से पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लूमिस हेड के डिफरेंट एंगल के स्ट्रक्चर को आप समझ लें वहाँ पर, क्योंकि प्रोपोर्शन में किस तरीके से एंगल में चेंजेस होंगे और कहाँ पर किस तरीके से फेशियल फीचर्स में चेंजेस हो गए बहुत ज़्यादा डीप में मैंने एक्सप्लेन किया, तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर से देख लें। यहाँ पे मैं डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंस ले रही हूँ और इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड एंगल होते हैं, जैसे कोई भी फेस है वो थोड़ा साइड में देख रहा है 3/4 है और वो थोड़ा टॉप भी देख रहा है और वो थोड़ा सा टिल्टेड भी है। सारे डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड एंगल को मैं यहाँ पे लूमिस हेड को अप्लाई करके उसके स्ट्रक्चर की स्टडी कर रही हूँ, है ना। जैसे ये वाला फेस ड्रॉ करना है तो इस वाले फेस में आप देखो इसका एंगल चेक करो कि ये फेस थोड़ा सा ऊपर की तरफ, सबसे पहले तो इसको देखेंगे कि ये फेस 3/4 है ना, फिर उसके बाद चेक करेंगे कि ये फेस थोड़ा ऊपर की तरफ है ना, और वो थोड़ा सा टिल्टेड भी है अपने लेफ्ट साइड में, ये थोड़ा सा टिल्टेड भी है, तो उसको किस तरीके से अप्लाई करना है, आईज लाइन कैसे चेंज होगी और आई लाइन और ईयर लाइन आप देख सकते हैं। लाइक नॉर्मल लूमिस हेड की स्टडी करें तो आई लाइन और ईयर लाइन जो होती है वो सेम होती है, लेकिन जैसे कोई भी फेस ऊपर की तरफ देख रहा होता है तो आई लाइन ऊपर चली जाती है और ईयर थोड़ा सा उससे नीचे हो जाता है ना। किस तरीके से चेंजेस होंगी प्रोपोर्शन में, किस तरीके से लूमिस हेड को अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे अप्लाई करके स्टडी कर रही हूँ। अब सवाल आता है कि यहाँ पे क्या हम फेस मैच कराने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि ये जो फेस है क्या हम इस पर्टिकुलर फेस के स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं? तो नहीं, मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि नहीं, यहाँ पे हम किसी भी फेस के पर्टिकुलर फेस के स्ट्रक्चर की स्टडी हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ लूमिस हेड को अप्लाई कर रहे हैं कि अगर कोई भी फेस इस एंगल में है तो उसके स्ट्रक्चर में, उसके प्रोपोर्शन में क्या चेंजेस होंगी और वो किस तरीके से, अगर किस तरीके से हमें आईज़, नोज़, माउथ और ईयर और जो अगर फोरहेड का पोर्शन है तो उसको कितना बड़ा रखना है, कहाँ पे ये सारी चीज़ों को फिक्स करना है, मतलब कि उसके जो स्ट्रक्चर है उसको हम स्टडी कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल में, ठीक है। अब बहुत लोगों का सवाल आता है कि लूमिस हेड से जब हम कोई भी फेस को ड्रॉ करते हैं तो हमारा पोर्ट्रेट जो है वो मैच नहीं होता, तो मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि लूमिस फेस को मैच कराने के लिए है ही नहीं। ये सबसे बड़ी गलती हम करते हैं कि लूमिस हेड को ड्रॉ करते हैं और उसी से फेस मैच कराने की कोशिश करने लगते हैं। नहीं, यहाँ पे हमें, ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप है किसी भी हेड के एंगल को समझने के लिए कि वो फेस का एंगल क्या है, उस एंगल में प्रोपोर्शन किस तरीके से चेंज होगा और उसके स्ट्रक्चर में किस तरीके से चेंजेस होंगी, उस चीज़ को समझने के लिए हम लूमिस हेड की स्टडी इज़ मस्ट, ठीक है। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप। चाहे आप पोर्ट्रेट को ड्रॉ करते वक्त लूमिस हेड को ड्रॉ करो या ना करो, लेकिन उसकी स्टडी, उसका जो स्ट्रक्चर है एंगल, वो स्टडी आपके माइंड में होनी चाहिए पहले से, ताकि जब भी आप इसके नेक्स्ट स्टेप पे जाओ तो आप इस स्टडी को रिलेट करते हुए अपने वर्क में प्रोसीड कर पाओ नेक्स्ट स्टेप के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं क्या कर रही हूँ। सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद फेस का एंगल चेक कर रही हूँ कि ये फेस सामने देख रहा है या फिर साइड में देख रहा है, और अगर साइड में देख रहा है तो कितना साइड में देख रहा है ना, और उसके लिए हम जो वर्टिकल लाइन जो मैं एक ड्रॉ कर रही हूँ उसको, उसके फेस के एंगल को चेक करने के लिए मैं यहाँ पर वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कर किया मैंने। फिर उसके बाद जो आई लाइन है, नोज़ लाइन है और चिन लाइन है और हेयर लाइन है, इनको मैंने चेक किया, इनको ड्रॉ किया, ठीक है। इनको ड्रॉ करने के लिए जो लूमिस हेड की स्ट्रक्चर की जब आप स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसको कितना रखना है। जैसे
जो आई लाइन और हेयर लाइन और नोज़ लाइन और चिन लाइन, इनके बीच में सेम डिस्टेंस होता है, तो उसी तरीके से आपको ड्रॉ करना है और उसके एंगल को चेक करना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं वर्टिकल लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया और थोड़ा सा आई लाइन को ड्रॉ किया, जैसे पूरे सर्कल को बीच में डिवाइड कर दिया आई लाइन को ड्रॉ करने के लिए, है ना। ऐसे ही तो करते हैं लुमिस में, अगर आपने स्टडी करी होगी तो आपको पता होगा, है ना। फिर उसके बाद हेयर लाइन ड्रॉ किया और नोज़ लाइन ड्रॉ किया और नीचे चिन लाइन भी ड्रॉ कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद ये फेस 3/4 देख रहा है, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इसका जो साइड सर्कल है वो ड्रॉ किया मैंने। अब आप देखो यहाँ पे ये वाला जो वर्क मैं कर रही हूँ, इस फेस थोड़ा सा डाउन की तरफ है, लग रहा है देख के कि ये टॉप देख रहा है क्योंकि उसका आई टॉप देख रहा है, लेकिन फेस जो है वो लेफ्ट की तरफ डाउन में टिल्टेड है ना। आप ध्यान से देखोगे तो आपको थोड़ा सा समझ आएगा, क्योंकि जो ईयर है वो आई लाइन से थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है ना। तो बहुत ही ज़्यादा डीपली आपको स्टडी करना पड़ेगा इसके एंगल को, और अगर ज़रूरी नहीं है कि पहली बार में, स्टार्टिंग में हो सकता है बहुत गलतियाँ होंगी, लेकिन जब आप धीरे धीरे स्टडी करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपकी जो आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते जाएंगे, क्योंकि देख के समझ नहीं आता, जब तक आप खुद से पेन और पेपर लेकर जब इसको ड्रॉ करोगे तो आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें, है ना। तो इसी तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट हेड के एंगल को लेते हुए प्रैक्टिस करनी है और उसके स्ट्रक्चर को समझना है कि आईज़, नोज़, माउथ, इनको किस तरीके से हमें फिक्स करना है अब कोई भी पोर्ट्रेट अगर हम ड्रॉ करते हैं तो, ठीक है। जैसे ये वाला फेस है, ये बिल्कुल फ्रंट देख रहा है ना, लेकिन अब ध्यान से देखो इसका एक ईयर ज़्यादा दिख रहा है और एक ईयर कम दिख रहा है ना, तो इसका मतलब कि ये थोड़ा सा अपने राइट की तरफ देख रहा है ना। तो यही छोटी छोटी डिफरेंसेस जो होती हैं उसी की वजह से जब हम फाइनल स्टेप में पहुंचते हैं तो फेस चेंज हो जाता है ना। तो यही छोटी छोटी चीज़ें आपको देखनी है, और जब हम स्टडी करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बारीकियों से सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें, पहला तो हमने उस पर्टिकुलर हेड के एंगल को चेक कर लिया, अब हमें उस पर्टिकुलर फेस के स्ट्रक्चर को चेक करना है विथ कंपैरेटिव मेजरमेंट्स, ठीक है। तो कंपैरेटिव मेजरमेंट्स के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि जब हमें कंपैरेटिव मेजरमेंट्स लगाने ही थे तो हमने लुमिस की स्टडी क्यों की, और लुमिस से जब फेस मैच होता ही नहीं है तो फिर हम लुमिस की स्टडी ही क्यों करें। तो इसके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि कोई किसी भी फेस को मैच कराने का अलग से कोई स्टेप नहीं होता कि हाँ चलो यहाँ तक हमारा पोर्ट्रेट बन गया है, फिर फेस मैच करा के देखते हैं कि या फेस मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन्हीं सारी छोटे छोटे स्टेप्स को जब हम फॉलो करते हैं, सारे मेजरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए जब हम पोर्ट्रेट को ड्रॉ करते हैं तो हमारा फेस अपने आप ही मैच हो जाता है। पहले की वीडियो में भी मैंने बताया था कि हमें पोर्ट्रेट को मैच कराने का के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है, हमें मेजरमेंट्स के ऊपर ध्यान देने हैं, उसके स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। तो लुमिस हेड एक आइडल स्ट्रक्चर होता है, आइडल प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, और उसकी स्टडी हम इसलिए करते हैं ताकि जो भी हम पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रहे हैं उसमें कोई डिस्टॉर्शन ना हो। चाहे आप पोर्ट्रेट ड्रॉ करते वक्त लुमिस ड्रॉ करो या ना करो, वो स्टडी जब हमारे माइंड में ऑलरेडी सबकॉन्शियस में होती है तो हम अपने माइंड में ही सारी चीज़ों को रिलेट कर पाते हैं कंपैरेटिव मेजरमेंट्स करते वक्त, कि जहाँ पे आईज है और ईयर कहाँ पे आएगा, नोज़ कहाँ पे है, मतलब सारे फेशियल फीचर्स की पोजीशनिंग के लिए हम लुमिस हेड की स्टडी करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपकी बहुत सारी डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर आपको मेरा आज का लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना, और इसी तरीके से प्रैक्टिस करना, ठीक है। नेक्स्ट में मैं कंपैरेटिव मेजरमेंट्स के थ्रू पोर्ट्रेट को ड्रॉ करूँगी विथ लुमिस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वर्क अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे आगे के आने वाले वीडियोस और लेसन्स को देखने के लिए, ठीक है।
तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर भी करना ताकि ये और लोगों तक भी पहुंच पाए। तो फिर चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।